हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ कानपुरी फेमस डिश धनिया वाले आलू। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हम सबसे पहले धनिए की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया ले लिया है, एक पाव धनिया है, तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। और साथ में हमने थोड़ा पुदीना लिया, उसे भी मिक्सी के जार में डाल लिया है। और यहाँ पर हमने कच्चा नारियल लिया है, तो कच्चे नारियल को हम इसके साथ डाल लेते हैं जार में। और दो मिर्चें हैं हरी, इन्हें भी हमने काट के डाल लिया। और आधा चम्मच इसमें सॉल्ट डाल लिया है और आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच जीरा डाल लिया और एक चम्मच मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमारी जो हरी धनिया की चटनी बनेगी वो चटपटी और तीखी चटनी है, तो खट्टी होनी है। इसके लिए हमने यहाँ पर डाला इसमें 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर। और अब डालेंगे इसमें पानी, पानी डालकर इसको कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पर चटनी को हम ग्राइंड करके लाए। और अब इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच दही। 2 चम्मच दही डाल लिया है, तो दही डालने से चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब दही डालकर भी हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, चटनी को हमने ग्राइंड किया। और इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाली है और लाल मिर्ची पाउडर भी डाला, अमचूर पाउडर और दही डाल लिया है, इसलिए हमारी खट्टी और तीखी चटनी धनिया की बनकर तैयार हो गई है। हमारी धनिया की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कानपुरी आलू। इसके लिए हमने आलू बॉईल करके और छील के तैयार करके रखे हैं। अगर यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे आलू हों, जिनसे दम आलू बनाते हैं, बेबी आलू जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें हम पूरा ऐसे ही डालेंगे, कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू थोड़ा बड़े हैं, तो हम इनको कट कर लेंगे, ऐसे 4 पीस में कट कर लेते हैं। और आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा और बड़े भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर आलू कट कर लेंगे। यहाँ पर हम 2 प्लेट में बना रहे हैं आलू को कट करके। आपको जितने भी बनाने हैं आप उतने बना सकते हैं। तो आलू हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसमें चटनी डालकर। अब यहाँ पर हम इसमें ऊपर से डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी हम डाल रहे हैं, प्यारा सा हरा हरा कलर है और आलू है, तो कानपुरी फेमस डिश बनने जा रही है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा हम हरी चटनी डालेंगे और ये अच्छे से कवर हो जाएगी। और इसमें नमक, तीखापन सब कुछ है। अगर आप एक्स्ट्रा और लेना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाले का यूज कर सकते हैं, तीखापन और यूज कर सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन हमने चटनी में सब कुछ डाला है। तो यहाँ पर हमारे कानपुरी आलू बनकर तैयार हो गए हैं। हर जगह का अपना एक अंदाज होता है डिश खाने का। जैसे हमारे कुमाऊँ में आलू की गुटके खाए जाते हैं और कहीं पर आलू की सब्जी, हर जगह अपना अपना स्टाइल है। तो कानपुर का एक स्टाइल है कि हरे धनिये की चटनी के साथ आलू खाए जाते हैं और फेमस डिश मानी जाती है। तो आज हमने भी ट्राई किया और बना लिए हैं कानपुरी डिश धनिये वाली चटनी के साथ आलू। आलू तो सब्जियों का बादशाह है और आलू खाना सभी लोग बहुत पसंद भी करते हैं, और हर सब्जी में मिलाया जाता है जिससे सब्जी का टेस्ट बन जाता है। और बहुत सारी डिशेज इससे बनाई जाती हैं, आलू की टिक्की, आलू की चाट, कैसे भी हम आलू बनाएं और वो टेस्टी लगता ही है। तो आज हमने बनाई हरे धनिये की चटनी वाले आलू। तो फ्रेंड्स, कुछ नया ट्राई करें और नई नई चीज़ें बनाएं। हमने तो किया ट्राई और हमें तो पसंद भी आई। अगर आपको मेरी वीडियो आती है पसंद, तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।